संपूर्ण परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया, 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमात्मा ने देख लिया कि काल आ बैठे इसकी मति में, एकदम अंतर ध्यान हो गए भगवान, सामने से ऐदरस हो गए, धर्मदास जी एकदम भयभीत हो गए और फिर उसको विचार आने लगे, अरे सारी सच्ची बता रहे थे तो, देख मैं कैसा नालायक हूँ, ये भगवान मुझे माफ कर दो। अब उन्हें तो वो ऐसा कंडम कर दिया मालिक ने उस ज्ञान से कि जो साधनाएं वो कर रहा था उसकी रुचि नहीं बड़ी उनको करने में, क्या करे उसको, अब श्याम होगी इसी चिंतन में रहा कि, और ये कह रहा मन मन में रो रहा कि भगवान एक बार फिर आ जाओ, एक बार दर्शन दे दो, मैं आपकी सारी बात सुनूंगा, मैं पापी आत्मा हूँ, देख कैसी अच्छी बातें बता रही थी और मैंने स्वीकार नहीं किया, मैं कितना नीच नालायक व्यक्ति हूँ, अपने आप को कोस रहा था, सारी रात करवट लेकर काटी, सुबह वो क्रियाएं करने की रुचि बनी नहीं, सुबह उठकर लग गया फिर खाना बनाने, खाना बनाने के लिए शाम को लकड़ियां ला के रख लेते थे, उसने तो पूरा स्टॉक रखा था, क्यों हफ्ता 10 दिन का वहाँ टूर प्रोग्राम था उसका, तो उसमें कुछ गिल्ली लकड़ियां भी थी कुछ सूखी भी थी, एक मोटी लकड़ी लगा के, सहयोगी लकड़ी लगा के अग्नि जला दी, रोटी लगा बनाने, सूर्य उदय होने से पहले उसने रोटी बनाना शुरू कर दिया था जब थोड़ा सा रोशनी था, और फिर रोशनी अच्छी होगी तो उसने क्या देखा कि चूल्हे में जलती हुई लकड़ी वो साथ आ गई, बिल्कुल निकट आ गई चूल्हे के पास, और वो बीच से खाली थी थोथी लकड़ी जलती हुई, वो लकड़ी के पिछले हिस्से पर एंड पर एक तरल पदार्थ उबल रहा था, उस थोथी लकड़ी के चारों तरफ का जो एंड के ऊपर सुराख था उसके, थोड़ी सी गिल्ली लकड़ी होती है तो उसमें ऐसी व्यवस्था बन जाती है। उधर से क्या देखा कि चींटियां अपने मुख में अंडे लेकर और पीछे को भाग रही है, उस लकड़ी के थोथे उस सुराख में से निकलने की चेष्टा कर रही है और वो बाहर निकल नहीं पा रही, आगे जल रही है अग्नि से, आगे अग्नि से जल रही हैं, पीछे आती हैं तो वो तरल पदार्थ जो चारों तरफ लकड़ी के ऊपर उबल रहा है उसमें गिर के वो चटक चटक हो रही है। अब धर्मदास क्योंकि भगत के अंदर धार्मिकता और दयालुता घनी होती है, एकदम कांप गया सारा, ये भगवान यदि इतनी लंबी लकड़ी थी और ये तो तकरीबन सारी ही जल गई, और इसमें ना जाने अनगिनत कितनी चीटियां जल गई है मेरे मालिक, आज इस पापी से बहुत पाप हो गया। तुरंत वो लकड़ी बुझा दी, जितना खाना बन गया था सो बन गया। अब उसने सोचा कि ये कैसे प्रायश्चित करूं इस घोर पाप का, अपनी सोच अनुसार उसने क्या प्लान बनाई कि आज मैं निराहार रहूंगा और इस भोजन को किसी साधु संत को खिला दूंगा, मेरा भार ना बनेगा। ये उद्देश्य लेकर रख कर सारी उस भोजन को थाली में चल पड़ा साधु की तलाश में। परमात्मा कहते हैं सोचल छिद्र मैं करूँ अपने जन के काज, एक साधु रूप बना करके लाल कपड़े वालों को हिंदू धर्म में साधु मानते हैं, और बैठ के एक वृक्ष के नीचे धर्मदास जी की दृष्टि पड़ी तो तुरंत उनके पास जाकर प्रणाम किया, भोजन रख दिया, महाराज जी भोजन पालो भूख लगी होगी।
परमात्मा ने कहा हाँ धर्मदास भूख लगी है, रख दो भाई। अब वो देख रहा है कि ये आदमी जाना पहचाना सा भी लग रहा है, पर मुझे कैसे जानता है ये। फिर उसने सोचा धर्मदास जी ने कि मैं बहुत भंडारे करता रहता हूँ, साधु संत आते रहते हैं, तो किसी भंडारे में आया होगा, देखा होगा, मैंने भी इसको देखा होगा। तो परमात्मा ने क्या किया, एक लोटा रखा था अपने जल का, उस लोटे में से थोड़ा जल लिया चुल्लू में और कोई मंत्र बुदबुदाया और जितना भी भोजन था उसके छींटे मार दिए जल के। क्या देखता है, देखते ही देखते सभी सारे भोजन की चींटी बन गई और प्रत्येक के मुख में अंडे सफेद सफेद। तब परमात्मा उसी रूप में आगे जिंदा वाले महात्मा का रूप बना लिया है जेठिस, और कहा रे कसाई, ए धर्मदास, कल क्या कह रहा था तू कि हम जीव हिंसा नहीं करते, तेरे से तो कसाई भी अच्छा, और ऐसे पाप के भोजन को मुझे खिलाने वाला था, सारी थाली काली होगी चीटियों से भरगी, वो बाहर निकलने की चेष्टा कर रही है थाली से। तब परमात्मा उसी रूप में आए तो धर्मदास चरणों में गिर गए और बुरी तरह रोने लगे कि हे भगवान, मुझसे गलती हो गई, माफ करो मेरे दाता, मेरा तो सब कुछ उजड़ गया था, मेरी नालायकी थी दाता, क्योंकि पिछला रंग जल्दी सी उतरता नहीं। हे भगवान, हमारा बहुत दिनों से रंग चढ़ा हुआ था, आप सारी सत्य कह रहे थे और मेरी आत्मा मान रही थी, पर मन बकवाद करे था, माफ करो मेरे दाता। परमात्मा ने कहा ठीक है भाई। अब फिर परमात्मा ने उसको सारी सृष्टि रचना सुनाई, ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति से परिचित करवाया, तो काफी अच्छी तरह सुना उसने, लेकिन फिर भी ये मन बड़ा उस्ताद है, प्रसन्न करता ही रहा वो। धर्मदास जी ने कहा कि भगवान, हमने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ये विष्णु अवतार हैं, उन्होंने मोर ध्वज राजा के पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से दो फाड़ करवा दिया था और फिर जीवित कर दिया। अब आपकी बात को मैं कैसे स्वीकार करूं कि उनमें कोई शक्ति नहीं है। तो परमात्मा ने कहा बेटा, मैं ये नहीं कह रहा कि इनमें शक्ति नहीं है, पर इनसे मोक्ष नहीं है, जन्म मृत्यु ना आपकी समाप्त हो सकती ना इन तेरे भगवानों की हो सकती। अब परमात्मा ने कहा कि देखो, वही श्री कृष्ण भगवान उस समय वो फेल हो गए जिस समय अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में प्रथम दिन ही मारा गया था। अभिमन्यु भगवान श्री कृष्ण का सगा भांजा था, सुभद्रा का पुत्र था और पांडवों का कुलनाश हो रहा था, श्री कृष्ण उनको जीवित नहीं कर सका। अब धर्मदास जी एकदम सतप्त हो गए, तो परमात्मा से पूछा कि भगवान क्या कारण था। तो परमात्मा ने कहा कबीर जी ने कि धर्मदास, तामर ध्वज जो लड़का था उसकी आयु शेष थी, इस कटे हुए शरीर को ये उनके संस्कारवश ठीक कर सकते हैं, उसकी आयु शेष थी इसलिए उसको जीवित कर दिया, आप पे मरवाया था, आप पे जीवित कर दिया। अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, आपके भगवान कृष्ण जी नहीं कर सके उसको जीवित। और एक परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है जिसकी मैंने कथा सुनी है। धर्मदास जी ने पूछा कि फिर आपको ज्ञान कहाँ से हुआ जिंदा महात्मा, कि एक कबीर नाम के महापुरुष परमात्मा सतगुरु आए हुए हैं, उस सतगुरु ने मुझे ये ज्ञान बताया है और उसी से मैं आपको आगे ये जानकारी दे रहा हूँ। तब धर्मदास जी ने कहा कि भगवान, सृष्टि रचना आपने सुनाई और सतलोक की महिमा बताई, मुझे वहां के दर्शन कराओ तब मेरा विश्वास दृढ़ हो। परमात्मा बोले भाई बात सुन, मैं तुझे विधि बताऊंगा जो मैंने अपने गुरुदेव से प्राप्त है,
और उसकी तू साधना कर, जब तू शरीर छोड़ के जाएगा वहीं पहुंच जाएगा, ऐसा हठ नहीं करना चाहिए। तो फिर उसने कुछ और ऐसे ही अटपट बातें कर दी और शंकाएं बहुत पैदा कर ली, तो परमात्मा फिर अंतर ध्यान हो गए और फिर लगा बुरी तरह रोने। फिर धर्मदास जी रोते हुए वापस चल पड़े अपने बांधवगढ़ की तरफ। अब घर पर जब पहुंचे, उसकी पत्नी बड़ी धार्मिक थी, आमनी देवी ने कहा कि भगत जी, आपने तो बहुत लंबा टूर प्रोग्राम बना रखा था, इतने शीघ्र कैसे आ गए वापस? तब धर्मदास जी बुरी तरह रो रहे थे, ऐसे रो रहे थे जैसे कोई निजी व्यक्ति की मृत्यु हो जा, बोला नहीं जा रहा था, कंठ रुंध गया था। उसकी पत्नी ने सोचा कि भगत जी का किसी ने धन लूट लिया, जो ये पैसा अपने रास्ते का खर्च लेकर गए थे किसी ने लूट लिया, और ये न्यू रो रहा है कि मैं कंजूस टाइप हूँ थोड़ी सी, क्योंकि धर्मदास जी खुले दिल से धर्म किया करते थे। वह टोक टाक देती थी कि इतना खर्चा नहीं करा करते, बालक भी पढ़ ले हैं। तो उसने अपने आप सोच लिया कि कहीं ये इसलिए दुखी हो कि मैं इसकी प्रत्येक क्रिया में बाधा बना करती थी और आज इसकी दशा देखकर मुझसे रहा नहीं जा रहा। तो उस रोते हुए को देखकर कहने लगी कि आपके भगवान ने गणाय दंड दे रखे है, आप क्यों चिंतित होते हो? किसी ने धन चुरा भी लिया तो आप दोबारा ले जाओ। काफी देर के बाद धर्मदास जी थोड़ा सा नॉर्मल से हुए, फिर बताने लगा कि आमनी, यदि मेरा भौतिक धन खत्म हो जाता तो मैं नहीं रोता, आज मेरा वो धन चला गया, शायद मुझे नहीं मिले, और वो मिलेगा नहीं, मैं जीऊँ नहीं। आमनी जी ने फिर पूछा, सारी कहानी बता दी। आमनी जी ने कहा कि आप एक व्यापारी होकर के और सौदा चूक गए। तब धर्मदास जी कहता कि जीवन में पहली बार चुका हूँ मैं, इसलिए रो रहा हूँ, मैं कितना नालायक हूँ, सारी कथा सुनाई, सारी कहानी बताई। 6 महीने बीत गए ऐसे ही रोते हुए, और ऐसे बैठ जाए बाहर गली में आकर के, ऐसे देखते रहे जैसे भेलड़ी ने इंतजार की थी श्री राम के आने की। कोई भी साधु संत गली या कहीं पर दिखाई देता, उठकर चल पड़ते नंगे पैरों पहचानने के लिए, नहीं मिलते तो वापस मायूस होकर बैठ जाते। ऐसे 6 महीने बीत गए। एक दिन परमात्मा ने उसकी पत्नी में प्रेरणा की, आमनी देवी में। आमनी ने कहा कि मैं आपकी ये दशा देख नहीं पा रही हूँ, परमात्मा ने कोई कारण बताया हो कैसे मिलेंगे, हम वही क्रिया कर लें। तब धर्मदास जी को याद आया भगवान ने कहा था कि जहाँ भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वहाँ मैं पहुँच जाता हूँ, नहीं तो ये काल ये धार्मिक अनुष्ठान होने नहीं देता, चाहे वो कैसे भी कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ आस्तिक बनी रहे, काल चाहता ये नास्तिक हो जाए। तब आमनी ने कहा कि आप भंडारा करते हो। आमनी ने एक दिन का कहा, उसने 3 दिन का रख दिया। अब 2 दिन बीत गए, भंडारे में भगत संत जन आ रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, जा रहे हैं, दक्षिणा ले रहे हैं। अब 3रा दिन भी दोपहर की बात हो गया, अब वो महात्मा नहीं आए। तो धर्मदास जी ने फाइनल फैसला कर लिया कि हे परमात्मा, यदि आज दर्शन नहीं दिया आपका दास संसार में नहीं रहेगा, आज मैं आत्महत्या करूंगा। थोड़े से भक्त शेष रह रहे थे भोजन करना, तकरीबन सब भोजन करके चले गए थे। परमात्मा ने देख लिया आज यो पक्का मरेगा। एक कदम के पेड़ के नीचे, जो वहां से 100 फुट की दूरी पर था, भंडारा चल रहा था।
उसी महात्मा वाले जिंदा के रूप में आकर विराजमान हो गए। धर्मदास की दृष्टि पड़ी, भागा गए दौड़े दौड़े, देखा सचमुच तो वही है और सीने से लग गए नो चपट गए कति ये भगवान अब के छोड़ के ना चाहिए। इनू देखे मुंह की तरफ अरोवा बुरी तरह, तो परमात्मा को घर ले आए। आमनी जी से कहा कि आजा मेरा धन पा गया। दोनों ने एक एक पैर पकड़ लिया। आमनी जी ने कहा कि भगवान ये आपका बच्चा बड़े नरम दिल का है, इसकी इतनी कड़ी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए थी। परमात्मा ने कहा बेटा युकाल का वकील बन रहा था और एक नहीं मानना था, मैं सारी सच्ची कहूँ था। अब इसको मैंने ताव दिया है, ये लोहा गर्म कर दिया इसका, अब जो चोट मारूंगा वह ठिकाने लगेगी, इसलिए इसको 6 महीने का ताव देना पड़ा। फिर परमात्मा ने दोनों को प्रथम मंत्र दिया। एक दिन धर्मदास जी ने बहुत आग्रह किया, भगवान एक बार आपका लोक दिखा दो। परमात्मा भी चाहते थे मैं गवाह बनाऊं अपना। धर्मदास जी को लेकर के सतलोक गए, नीचे रह गया भौतिक शरीर, सतलोक लेकर गए। तो वहां क्या देखा, परमात्मा अपने दूसरे रूप में तेजोमय शरीर जिसके सिंहासन पर विराजमान है, मनुष्य आकार है, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, उससे भी अधिक रोशनी परमात्मा के शरीर की है। अब धर्मदास जी ने देखा भी भगवान तो ये होगा और ये नौकर होगा जिंदा यहाँ का। तो कबीर परमात्मा जिंदे के महात्मा के रूप में नीचे से गए थे, चवर करने लगे उस परमात्मा के अपने दूसरे स्वरूप पर। थोड़ी सी देर में सिंहासन पर विराजमान जो परमात्मा थे वो उठे और नीचे से गए हुआ शरीर जिंदा वाला सिंहासन पर विराजमान हुआ, और वो तेजोमय शरीर वाला भगवान जिंदा महात्मा के ऊपर चवर करने लगा। कुछ देर के बाद धर्मदास जी ये सोच रहे थे ये क्या हो रहा है कि महात्मा के ऊपर भगवान चवर कर रहा है। इतने में तेजो में शरीर जिंदा वाले शरीर में समा गए, अकेले कबीर भगवान जिंदा वाले रूप में वहां विराजमान रहे अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन। फिर परमात्मा ने कहा कि जाइए धर्मदास नीचे जाओ और मेरी इस सारी महिमा से तू जनता को परिचित कराओ। तब धर्मदास जी ने कहा था कि भगवान मुझे यही रख लो दाता, करना भेजो मुझको उस गंदे लोक में। तो भगवान ने कहा बेटा जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम भक्ति युक्त थे अब भक्तिहीन हो चुके हो। मैं तुम्हें सतनाम दूंगा, सारनाम दूंगा, उसकी साधना करके तुम वापस आ सकते हो, वैसे यहाँ ठिकाना नहीं। कहने का भाव ये, मालिक के कहने से वापस शरीर में आया। तीसरे दिन पूरे परिवार रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, बेहोश पड़ा सब इलाज ट्रीटमेंट जंतर मंत्र भी करा लिए। जब धर्मदास जी उठे एकदम देखा कि महात्मा जी कहाँ हैं, सामने नहीं पाए उनको, उठकर चल पड़े कि काशी में बता रहे थे मैं काशी में रहता हूँ, जुलाहे का काम करता हूँ, कबीर मेरा नाम है। अब काशी में जाकर देखिए वही सूरत और चरणों में गिर गए परमात्मा के। सतलोक में जो आंखों देखा वर्णन कबीर सागर के अंदर वर्णित किया, परमात्मा की आंखों देखी वाणी का। तो पुण्यात्माओं, जिस नाम से उन महापुरुषों का कल्याण हुआ, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को भी परमात्मा ऐसे लेकर गए थे, फिर उनको छोड़ा था, उन्होंने कहा था भाई सूरत मुलुक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरासियाना बोता बारी धानक रूप रहा करता। तो पुण्यात्माओं सौभाग्य आपका, आपको परमात्मा ने वही मंत्र उपलब्ध कराए। धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। बोलो सतगुरुदेव।
परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप चंद पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। जिन पुण्यात्माओं के ऊपर परमात्मा प्रसन्न होते हैं वही सत्संग सुनने के लिए संत दर्श के लिए पहुंच पाते हैं। परमात्मा के विधान में लिखा है कि जिन भी प्राणियों को मानव शरीर प्राप्त है ये सभी पुण्यकर्मी प्राणी हैं, लेकिन जिनके अंदर परमात्मा की विशेष आस्था है, परमात्मा की तड़फ है, वो और अच्छी पुण्यकर्मी आत्माएं हैं, अत्यधिक पुण्ययुक्त हैं। और जिन पुण्यात्माओं को सतगुरु मिल गए, सत्य भक्ति प्राप्त होगी, वो मानव शरीरधारी प्राणी अत्यधिक पुण्ययुक्त प्राणी है। आप उन तीसरी कैटेगरी के अति उत्तम पुण्यकर्मी प्राणियों में से एक हैं जिनको सतगुरु मिला और सत्य भक्ति प्राप्त हुई। अन्य मानव शरीरधारी प्राणी सभी पुण्यकर्मी हैं, दुर्भाग्य उनका जो परमात्मा की कसक में, परमात्मा की चाह में इन नकली ऋषि महर्षि गुरुओं मंडलेश्वरों के पास पहुंच गए और उनको परम संत परम धनी महर्षि तत्वेता संत जानकर उनसे दीक्षा लेकर निश्चिंत हुए। तो पुण्यात्माओं ये सारी व्यवस्था जो है पिछले संस्कारों पर निर्भर करती है। जो प्रथम प्रकार के प्राणी हैं जो मनुष्य शरीर प्राप्त है लेकिन परमात्मा की उनको कोई चिंता नहीं, कोई चाह नहीं, वो पुण्यकर्मी तो हैं क्योंकि वो परमात्मा प्राप्ति करने वाले उस विद्यालय में प्रवेश पा चुके हैं, उनको ये अलग से ड्रेस मिल गई है जो विद्यार्थियों की होती है, यानी मानव शरीर स्त्री या पुरुष का ये वो ड्रेस है, ये वो पोशाक है जो एक विद्यार्थी को प्राप्त होती है। तो आप जी उस विद्यालय के विद्यार्थी हैं सभी मानव शरीरधारी प्राणी। जिस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करके उसका बेनिफिट हमें बाहर फील्ड में प्राप्त होगा, जैसे विद्यार्थी कॉलेज या स्कूल में पढ़ते हैं तो वो वहाँ अपनी पढ़ाई ठीक से करके दिन रात एक करके शिक्षा ग्रहण करके उत्तीर्ण होकर कॉलेज छोड़कर जब चले जाते हैं उनको अन्य स्थानों पर उसका लाभ मिलता है, नौकरी मिलती है या कोई व्यवसाय प्राप्त होता है। और जो विद्यार्थी विद्यालय के उस शिक्षा के दौरान ही उस शिक्षा समय के दौरान ही उसके अंतर्गत ही विद्या ग्रहण ना करके वो सिनेमा देखता है और अच्छा खाता पीता उड़ता पहनता है और सो जाता है, अर्थात अपने उद्देश्य से विचलित होकर, और कॉलेज के दौरान कॉलेज के समय में जो सुविधाएं प्राप्त कर रहा है वो विद्यार्थी अपने जीवन को नाश कर रहा है। तो पुण्यात्मा आप जी पूरे विश्व में जितने भी मानव शरीरधारी प्राणी हैं सब को परमात्मा ने वो ड्रेस दे रखी है, एक पहचान है कि आप विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी को माता पिता प्रत्येक सुविधा देते हैं,
घर के घरेलू कार्य से भी उनको दूर रखते हैं। जो भी उसकी पढ़ाई में खर्चा पैसा होता है, व्यय होता है, वो खुश होकर करते हैं, दिल खोल कर करते हैं। और वो बच्चा इतनी सुविधा प्राप्त करके फिर पढ़ता नहीं है तो उसका फिर जीवन नरक बन जाता है। ठीक इसी प्रकार ये स्थान स्थाई नहीं है जहाँ आप रह रहे हो। और इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल इतना ही नहीं है जितना आप जी सत्संग प्राप्ति से पहले कर रहे हो, संतानों उत्पत्ति, उनकी परवरिश, विवाह कर देना, उनके फिर संतान की आशा लगा कर जीवन व्यतीत करना, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाना और अपने मनुष्य जीवन के कर्म को और कर्तव्य को पूरा जान लेना, ये हमारी तत्व ज्ञानहीनता थी। तो पुण्यात्माओं, जैसे आप यहाँ पढ़ोगे, ये शिक्षा ग्रहण करोगे यानी परमात्मा के ज्ञान को सुनोगे, फिर जैसा भी आपको क्रियाएं बताई जाती हैं उन साधनाओं को करोगे, तो आपको इस पृथ्वी पर सुविधाएं नहीं मिलेंगी। वो इस पर जो मिलनी है वो आपको आवश्यक वो दे ही रखी है परमात्मा ने, क्यों मानव शरीर दे दिया, उसमें खान पान, सूझबूझ, सद्बुद्धि, अंग क्रियाएं सारी ऐसी दे दी जो हम अपने शरीर की सुरक्षा के लिए मकान बना सकते हैं, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए समय पर आहार कर सकते हैं, भूख लगती है तो बता के हम भोजन भी प्राप्त कर सकते हैं, प्यास लगे जब चाहे हम जल ग्रहण कर सकते हैं। तो ये हमें सद्बुद्धि दी, तो इस सद्बुद्धि का हम प्रयोग करके, भक्ति करके सतलोक जा सकते हैं। ये पूरी पृथ्वी एक यूनिवर्सिटी समझो, स्कूल कॉलेज समझो, और जिसको जैसा टीचर मिला है, जिसने जहाँ की जैसी ट्रेनिंग की है, उसी ट्रेनिंग का ही वो आगे लाभ प्राप्त कर सकता है। जैसे किसी ने श्री विष्णु जी सद्गुण की पूजा की है तो उसको पृथ्वी की बजाय विष्णु जी के लोक में जाकर के वो सुविधा प्राप्त होगी। जैसे फील्ड में यानी क्षेत्र में जाकर ही विद्यार्थी को नौकरी मिलती है, जॉब मिलती है। ऐसे ही जिसने शिव जी की भक्ति की शिवलोक में चला जाएगा, जिसने ब्रह्म की भक्ति की वो ब्रह्मलोक में चला जाएगा, और जिसने श्री देवी दुर्गा की भक्ति की वो दुर्गा जी के लोक में चला जाएगा, और जिसने पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, सत्य पुरुष की साधना की तो सतलोक में चला जाएगा। तो हम यहां जो सुविधाएं बटोर रहे हैं ये बालकों जैसी बुद्धि युक्त है। हम सारा जीवन कोठी बनाने में, प्लाटों के खरीद कर साहूकार बनने में, और विवाह शादियों के अंदर जो हम अपनी परंपराएं बिगाड़ कर इतने विशाल कर बैठे हैं, जो हमारा सिरदर्द बन गई है, इन्हीं के निर्वाह में, इन्हीं के निभाने में हम सारा जीवन व्यर्थ कर जाते हैं। और सारे जीवन में जो हम संग्रह संचित करके कोई कोठी बंगले बैंक बैलेंस बनाते हैं वो यही रह जाते हैं, और हम मुंह लटका कर जाते हैं। परमेश्वर ने स्वयं आकर के हमें ये ज्ञान दिया कि आप जी जिस प्रकार इस पृथ्वी पर रह रहे हो और जिन आशाओं को लेकर तुम जी रहे हो, ये तुम्हारी बालक बुद्धि है। परमात्मा कहते हैं, होले सुहागण सुरता त्यार, मालिक गर जाना है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यार, मालिक गिर जाना है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यार, नाले धोले ओढ़ पैर लेकर सोला सिंगार, नाले धोले ओढ़ पैर लेकर सोला सिंगार। आज नहीं तय तड़के परसों आवेंगे तेरे लड़िहारे, मालिक गिर जाना तो। होले होले सुहागण सुरता तार, मालिक घर जाना है। तेरा सोने शिखर बर तारे,
मालिक गिर जाना है ही तेरा, सोने से खैर बर तार, मालिक गिर जाना है ही। होले होले सुहागण सुरता त्यार, मालिक गिर जाना है। तेरे साथ किए कितनी जाली तू क्यों लारी वार, तेरे साथ किए कितनी जाली तू क्यों लारी वार। गुड़िया खेलत जन्म गवाया, लाया है नहीं विचारे, मालिक गिर जाना है तू तो। होले होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक गिर जाना है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक गिर जाना है तेरा, सोने से खर बर तार, मालिक गिर जाना है। सतगुरु मारे बाणिया है करते बणज व्यवहार, सतगुरु मारे बाणिया है करते बणज व्यवहार। बिन डांडी बिन पालड़े है तोले दिया संसारे, मालिक गिर जाणो है। होले होले सुहागण सुरता त्यार, मालिक गिर जाणो है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यार, मालिक गिर जाना है तेरा, सोन शिखर बर तारे, मालिक गिर जाना है। सोन शिखर में सेज पिया की आसे आसे कर ले प्यार, सोन शिखर में सेज पिया की आसे आसे कर ले प्यार। कह कबीर सुनो मेरी सजनी, लूटो ने वो अजब बहारे, मालिक गिर जाना है। होले होले सुहागण सुरता त्यारे। अब इसमें क्या बताते हैं, परमात्मा स्वयं आए इस आत्मा को सुरती, क्योंकि सुरती आत्मा की आंखें हैं, इसे विशेष संबंध है इसका। तो इसको जगाने के लिए, इसको दिशा देने के लिए सचेत करते हुए कह रहे हैं कि हे आत्मा तू तैयार हो ले, और तेरा पति जो है सुन शिखर में रहता है। सुन शिखर यानी शिखर माने चोटी, शून्य माने ऊपर, ऊपर चोटी पर सुन शिखर, सुन का अर्थ होता है उसे वोकम प्लेस, यानी सभी ब्रह्मांडों की रचना के बाद एक खाली स्थान बहुत लंबा चौड़ा होता है, उसके ऊपर कहते हैं तेरा पति यानी परमात्मा तेरा मालिक रह रहा है। जहाँ से तुम आए हो, जहाँ से आप आए हो बिछुड़कर, और वहीं जा करके सुख प्राप्त हो सकता है, यहां आपको चैन नहीं हो सकती। इसके विषय में बताते हैं परमात्मा, साथी हमारे चले गए हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही ताते लागेरी वारे। हमारे साथी चले गए। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? हरिवंश राय मधुकर। सर आप कहाँ से आए हैं? हम बिहार वैशाली जिले से कठहरा ग्राम से आए। सर आप क्या काम करते हैं? हम तो ऐसे कलाकार थे, आकाशवाणी पटना रेडियो स्टेशन से लोकगीत गाते थे, दूरदर्शन से भी हम लोकगीत गाते रहे हैं। अभी इन दिनों हम अध्यात्म से जुड़ गए, तब से ही हम गाना बजाना छोड़ दिया। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले
आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम अध्यात्म से जुड़े हुए थे और प्रभु परमात्मा के पाने की चेष्टा से, लगन से मैं कई मतपथ में गया, जहाँ हमको इस जिज्ञासा से गए कि हमको प्रभु परमात्मा की जानकारी होगी, और इस कारण से मैंने रामानंद स्वामी के पथ में, वो देहात में चलने वाले बचन वंश कबीरपंथी में और आर्य समाज में, या वो बाल जोगेश्वर जी में, सतपाल जी में, ठाकुर अनुकूल चंद जी के सत्संग में और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के सत्संग में, कई स्थानों पर हम लगभग 13 मिशन में घूमे परमात्मा के दर्शन के लिए, लेकिन कहीं से हमें कुछ प्राप्ति नहीं हुआ। कोई तो आँख बंद करने को कह दिया, कोई कहा ध्यान लगाओ, कोई कहा क्रम नेवली करो, कोई कुंडलियाँ जागृत करने को कह दिया, किसी ने कहा कि वो नाक के ऊपर दोनों दृष्टि जमा करके देखो, भगवान का दर्शन होगा। बहुत हम परेशान में पड़ गए, देखा कि हर जगह वही बात है, ठगी की बात हो रही है। तब हमें कान में एक शब्द मिला निरंकारी मिशन का, जो निरंकारी मिशन 1992 में बहुत कम जत्थे में था, और उस समय जब हमारे ध्यान में आया निरंकारी मिशन, तो उसमें हमने जाकर के ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में हमें जो ज्ञान दिया गया, कहा गया कि यहाँ प्रभु परमात्मा का दर्शन होता है, और इसी जिज्ञासा से हम उनके पास जाकर के बैठ गए। पहले तो उन्होंने 5 प्रण कराया और कहा कि ये 5 प्रण के बाद प्रकृति का वो नाम गिनाया, सूरज चांद सितारे ये सब भगवान नहीं है, और ये तन मन धन सब परमात्मा का है। और उसके बाद उन्होंने परमात्मा का दर्शन बताया, कहा कि धरती से आसमान तक जो ये खलिया जगह देख रहे हो, ये खाली जगह है, इसी को निरंकार कहते हैं, यही तो निरंकार है, यही ब्रह्म है, और इसको जो जान जाता है वो ब्रह्मन हो जाता है, ब्रह्म जानाति ब्रह्मण, ये जो वेद में लिखा हुआ है, शास्त्र में लिखा यही है, गीता में भी कहा गया है कि जो इसको कोई औजार नहीं काट सकता, बताओ खलिया को कौन काटेगा, ये बम इसको कौन मारेगा, ये किसी तरह से नाश नहीं होता है, यही परमात्मा है, और इसी को मैं सच्चा मान करके इसकी भक्ति करने लगा। और सन 1992 में मैंने 27/12/92 को ज्ञान लिया था और 24 साल तक इस भक्ति में लगा रहा। इस दौरान में मैंने अपने संपूर्ण वैशाली जिले में लगभग 24 ज्ञान केंद्र खोला, और ज्ञान प्रचारक हमारे साथ होते थे और मैं प्रचार का काम करता था पूरे बिहार में, कटिहार, वो ठाकुरगंज, पूर्णिया, वो सहरसा, मधेपुरा, गैंगटोक और सिक्किम, कर्सियांग, नेपाल के देशों में भी हम जनकपुर और शवेला, वो धनुखा ये, और शिवनगर, परसा जिला, मलंगमा, सरलाही जिला, इन सब क्षेत्रों में मैं जाकर के काफ़ी इसका प्रचार किया, और लगभग 18 सत्संग तो अपने वैशाली जिला में बनाए, लगभग 10 से 12 हज़ार लोगों को मैंने प्रभावित करके उनको इस ज्ञान से जोड़ा। सर अभी आपने बताया कि आपने 24 ज्ञान केंद्र खोले, तो सर आपने किस पंथ के 24 ज्ञान केंद्र खोले थे? हमने 10 से 12 हज़ार लोगों को ये ज्ञान से प्रभावित करके निरंकारी मिशन के संस्था से जोड़ दिया। सर आपने बताया कि आप 24 साल तक निरंकारी मिशन से जुड़े रहे, तो सर इस 24 साल में आपको क्या ज्ञान की अनुभूति रही है? सर इसमें हमको मिला जुला कर कोई अनुभूति नहीं हुई, और न मैंने कुछ देखा, और न इसके हमको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए, ऐसे ही हम भजते चले जा रहे थे। और उसमें एक साधारण मंत्र था, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनु बख्श लो। यही जबते जबते मेरा 24 साल का समय निकल गया, लेकिन इससे कुछ लाभ नहीं हो सका। विगत 19 जून 2017 को मैं बड़ा सख्त बीमार पड़ गया। बीमार पड़ने का कारण हो गया मेरे पास डायबिटीज का बीमारी, जो 600 चीनी बराबर रहता था, और उसके बाद ब्लड प्रेशर था, लीवर में सूजन था, किडनी में भी दाग था, और पित्त की थैली में ये पथरी था 13 mm का, जो हमें बहुत कमज़ोर कर दिया था। डॉक्टर लोगों के पास हम गए, कहीं से हमको कोई इजाफा नहीं मिल पाया। मैंने 48,000 रुपया खर्च करके बाद, और धराशायी हो गए थे, बिछावन से उठ नहीं पा रहे थे, उसी पर हम पड़े थे, 5.5 महीना हो गए। और जिस मिशन को हमने इतना लोगों को जोड़ कर लगभग
24 साल में 5,500 लाख रुपया मंडल को भेज दिया प्रणामी का पैसा, लेकिन उनको खबर हुई, लेकिन कोई आदमी हमको देखने तक नहीं आया, खोजने तक नहीं आया कि कहाँ ये मधुकर जी पड़ा है, जबकि उस मिशन में हम एक मुखी के पद पर थे और गुरुगद्दी पर बैठ कर के 3-3 घंटा प्रवचन करते थे और लोगों को प्रभावित करते थे और ज्ञान दिलवा करके उसको उनसे जोड़ते थे, किसी ने नहीं देखा। इस क्रम में मैं दूर दूर जगहों पर जाकर के और सत्संग प्रवचन किया करता था। गुरुगद्दी पर हमको बैठाया जाता था, वहाँ से हम अध्यात्म प्रवचन करते थे, गीता से, रामायण से, कुरान से, पुराण से, वेदों से, शास्त्रों से कह करके लोगों को प्रभावित करते थे। कभी कभी इतने जिज्ञासुओं का भीड़ हो जाता था कि नमस्कार करने में लाइन बन जाती थी और बड़ी भीड़ हो जाती थी। तब हमारे दोनों पैर पर अलग अलग दोनों पैर को करके दायां बायां एक पर बहने और एक पर भाइयों का लाइन लगता था और सभी लोग सर पटक करके हमारे चरणों पर नमस्कार करते थे और उसी में लोग ये जिज्ञासा करते थे कि बाबूजी जरा माथे पर हाथ रख दो, और मैं माथे पर हाथ रख देता था, जरा धौना में पीठी में दर्द हो रहा है इस पर जरा हाथ कर दो, ये बच्चे को जो आशीर्वाद दे दो, ये बड़ा बीमार रहता है, ये सब काम हमें करना पड़ता था और उसको करते थे। सर आपने बताया कि आप निरंकारी मिशन की गद्दी पर बैठते थे, निरंकारी पंथ से जुड़े थे, आप प्रवचन करते थे स्वयं, और फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ गए, सर आपको क्या ऐसा लगा? निरंकारी मिशन में तो बहुत सारे लोग ने हमारे दुख को मेरे कहने पर जाना, लेकिन उसमें मेरा कोई इलाज नहीं हो सका, और वहाँ तो बड़ी बड़ी औषधालय भी खुली हुई है, क्या क्या है, लेकिन हमको कोई सहारा कहीं से कुछ नहीं मिला, और डॉक्टरों से परेशान होकर के हम बिल्कुल निराश हो गए थे और धाराशायी होकर के बेड पर पड़े हुए थे। 5.5 महीना हम लगातार बेड पर ही पड़े रहे, जहाँ पैसे के अभाव में दवा भी नहीं खा पाते थे और हमें खाना भी नहीं खाने का इच्छा होता था, केवल पानी पी के, दूध पी के, एक आध रोटी किसी तरह से खा करके हम पानी पी लेते थे। इसी बीच में हम सोचे कि अब हम नहीं बचेंगे। एक साथी मेरा पंजाब रहता है, वो जब लौट के घर गया तो हमसे भेंट करने गया, जाने के बाद कहा कि आपने कैसी हालत बना ली बताइए, भगवान का भक्ति करते हैं ये हालत आपका बन गया है, तो ये कैसे हो गया? हमने कहा ऐसे ही हो गया, अब हम क्या करें? तो उन्होंने एक किताब हमको दिया पढ़ने के लिए और वो किताब का नाम था ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा किताब हम पढ़ने के काबिल भी नहीं थे, इतने कमज़ोर हो गए थे। मैंने कहा कि हम किताब तो नहीं पढ़ सकते, जरा तुम ही पढ़ के सुनाओ तो अच्छा रहेगा। तो वो 3 रोज आकर के हमको किताब का कहीं कहीं का कोई कोई चैप्टर पढ़ के सुनाया, हमको बहुत अच्छा लगा। अब किसी की किडनी खराब है और उनका डॉक्टर इनकार कर रहा है, कहता है 4 लाख रुपए लगेंगे, और वो बताना है कि नहीं मेरा किडनी ठीक हो गया सतगुरु रामपाल जी की कृपा से, किसी का लीवर खराब है, किसी के स्तन में घाव है, ममाद निकल रहा है, परेशान है, किसी के पेट में दर्द है, लगता है कोई भीतर दांत काट रहा है, ऐसे ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट आए। तो मुझे पहले तो धीरे 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 इस पर विश्वास होने लगा। हमने सोचा कि अब मैं क्या करूं, हम भी अब वहाँ कुछ फ़ोन करके पता करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि पता है इसका, तो हाँ फ़ोन नंबर है। हमने कहा कि रुक जाओ रुक जाओ, आज रात में हम सतगुरु रामपाल जी महाराज से हम बात करेंगे, तब हम कल आपको कुछ बताएंगे। तो उन्होंने कहा कि कैसे बताइएगा, वो तो जेल में रहते हैं। हमने कि हम भी तो गुरु की सेवा कर रहे हैं 24 साल से, और ये सतगुरु हैं तो जरूर हम पर कृपा करेंगे, मुझे विश्वास है। ऐसा सोचकर मैं रात में 9 बजे खाना उना खा करके जब सोने गए, तो हम तो कुछ जानते नहीं थे, हम तो केवल इनका नाम सुनते थे और किताब में फोटो देखा था। इन्हीं के फोटो को हमने कहा सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, रामपाल जी महाराज की जय, 5 बार यही जयकारा लगा करके हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि हे सतगुरु रामपाल जी महाराज, आपकी बहुत सारी प्रशंसा इस किताब के अंदर मैंने सुनी है, बहुत सारे लोगों का बीमारी भी खत्म हो गया है, मेरी भी बीमारी खत्म करो और मुझे भी ठीक कर दो, अगर ऐसा कर दोगे तो शेष जीवन जो मेरा बचेगा ये हम आपके चरणों में बिताएंगे, आपके चरणों में भक्तों की सेवा करके अपना जीवन बिताएंगे, और ऐसा करिए कि मैं बहुत दुखी हो गया हूँ, अगर ठीक करना है तो आज रात में आकर के आज रात भर में ही हमको ठीक कर दीजिए, 2-4-10 रोज लगाइएगा तब इस चीज़ को हम नहीं मानेंगे। ऐसा प्रण करके हम सो गए, कई दिन नींद भी नहीं आ रही थी, उस दिन नींद भी बहुत अच्छा पड़ा। 3:30 बजे भोर की बात है कि हम जहाँ सोए हुए थे उसी में निरंकारी आश्रम चलता था, हर रविवार को सत्संग चलता था,
तो रात में 3:30 बजे ये सतगुरु रामपाल जी महाराज वहाँ पहुँच गए। सादा पैजामा, हाफ कुर्ता, गमछा रखे हुए और कुर्ते का रंग थोड़ा हल्का गेरुआ रंग का पहने हुए, हाफ कमीज और कुर्सी घींच करके उसी जगह बैठ गए। कुर्सी के घींचने का आवाज़ हमको कान में मिला और तब आवाज़ सुन करके हमारी आँख खुल गई। हम देखते हैं कि अरे कुर्सी कौन घींचा, देखते हैं कि सामने में सतगुरु रामपाल जी महाराज बैठे हैं। जैसे वो बैठते हैं उसी तरह से एक पैर पर दूसरा पैर रख करके दोनों हाथ एक साथ करके लगता है जैसे कोई मंत्र कर रहे हो या कुछ कर रहे हो बैठे हुए हैं। मैंने सोचा कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ कि वास्तव में जागृत अवस्था में हूँ, यह समझ में नहीं आया और मैं उनके चरणों में जाकर के नमस्कार किया। फिर उन्होंने पूछा बड़े प्यार से कि बेटे क्यों बुलाए हो हमको। हमने कहा कि दास तो सब 9 बजे रात में ही सब बात आपके चरणों में रख के सो गया है, आप तो अंतर्यामी भी हैं, आप यहाँ आ भी गए, अब हमसे क्या पूछ रहे हैं कि क्या बोला। तो नहीं, तुम ये बोला कि हमको ठीक करना है तो रात भर में ठीक कर दीजिए और नहीं तो 2-4 रोज में करेंगे तो हम नहीं मानेंगे। हम कि जी सरकार ऐसा तो दास बोला है, अब मरता क्या ना करता, बीमारी को तो लाजिम है अच्छा होने का, इसी तत्परता में हम आपके सामने ऐसा बोला है, हो सकता है गलती ही हो गई है, तो आप पिता तुल्य हैं, पिता है ही, आप हमारे माफ़ी करके और हमको ठीक कर दीजिए। हम तो फिर भी यही कहेंगे। हंसने लगे, कहे कि बेटे तुम्हारे सर पर बहुत सारे भार हैं, बहुत सारे बोझ लाद लिया तुम, ये बताओ तुम्हारे चरणों में कितने आदमी का सर गिरा है। हमने कहा इसकी कोई गिनती नहीं, अनगिनत है, वो 50,000 हजार लाखों लोग इस पर माथा पटके होंगे, इस चरण पर इसका कोई ठिकाना नहीं है। अब बताओ इतने दिन का जटिल बीमारी तुम कहता रात भर में ठीक कर दो, ठीक तो हो जाओगे, तू नाम दीक्षा ले ले, भक्ति कर, मर्यादा में रह, तू ठीक हो जाएगा, और मेरे पास आ गया तो मैं कुछ होने वाला नहीं, घबराओ नहीं, और ये सब पूछ करके और हमको कहे कि जब ठीक है, जब ऐसी ही बात है तो फिर कल से तू ठीक हो जाओ, ऐसा कह के हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जो आकर के हमको बताए और वहाँ से चले गए। जाने का भी क्रम देखा तो अद्भुत लगा हमको, जैसे हनुमान जी एक पैर नीचे सीधा करके और एक पैर मोड़ करके और ऊपर दक्षिण की दिशा में इस तरह से उड़ गए। बहुत देर तक हम खड़ा होकर देखते रह गए जब तक आंख से ओझल नहीं हुआ और दक्षिण दिशा की तरफ उठ चले गए। मैं फिर चौकी पर बैठ गया, जो 6 महीना से उठ नहीं पा रहा था, खा नहीं पा रहा था, चहल टहल नहीं पा रहा था, मैंने अपने बाजू पर बाजू रख के अंदाज किया कि मेरी क्या हालत है, तो मैं अपने में बहुत दुरुस्ती पाया, ताकत पाया और हमको लगा कि कोई नई ताजगी आ गई और मैं बिछावन पर से उठ करके सामने मेरा रोड है उसी रोड पर चला गया और 4 किलोमीटर पैदल हम चले गए, घूम करके टहल के 4 किलोमीटर चले गए। मैंने गऊओं को बांध दिया पानी डाल करके और उसको बांध करके नादी पर खाने के लिए लगा दिए, अपना मुंह भी धो लिया और स्नान भी कर लिए। फिर पत्नी के पास आए तो हमने कहा कि, तो देख करके बोली कि क्या कर रहे हैं आप, कहीं मुंह के भरे गिर जाओगे, तुम्हारा 6 महीना से बीमारी आदमी है, कौन सा नाटक कर रहे हैं। हम नाटक नहीं कर रहा हूँ, हमारे पास अभी सतगुरु रामपाल जी महाराज का दर्शन हुआ, वो आए थे और आकर के हमको ठीक होने का वरदान दे दिया कि कल से तुम ठीक रहोगे, इसलिए मैं आया हूँ, आज मुझे खाना बनाकर खिलाओ। तो कहा कि जो आदमी खाना नहीं खा रहे हैं 3 महीना से खब्बे न करते हैं, कोई चीज़ खाना देते हैं तो बिगड़ जाते हैं, गुस्सा करते हैं, अभी खाना कैसे खा लीजिएगा, हम खिलाओ ना, हमको बहुत भूख लगी है महाराज, हम खाना खाना चाहते हैं। वो खाना बनाने लग गई और हम उस दिन से प्रतिदिन हम प्रतिदिन कुछ न कुछ अच्छे ही होते जा रहे हैं, अच्छे ही होते जा रहे हैं। मैंने 13 रोज रास्ता देखा कि मैं ठीक तो हो गया हूँ, नामदान लूँ कि नहीं लूँ, ये टेम्पोरोरी ठीक हुआ हूँ कि परमानेंट हो गया हूँ, ये मुझे पता नहीं चल रहा था। तो हम 13 रोज इसका इंतजार किया, 13 रोज बिल्कुल मैं ठीक ठाक रहा, 14वां रोज भी ठीक रहा, तब जा करके हम, ये 2 अक्टूबर की बात है, रात की घटना है, 15 अक्टूबर को मैंने जा करके नामदान केंद्र में वहाँ समस्तीपुर ठहरा गोपालपुर में नामदान ले लिया। जब ये ज्ञान को मैंने देखा तो मैं तो दंग हो गया। वो जहाँ जहाँ लोग बताते थे, किसी ने कहा कि ये श्वास चल रहा है ये भगवान है, किसी ने आँख झाँप दिया कहा इसमें लाइट आता है सो भगवान है, किसी ने ऊपर ताकने को बताया, किसी ने कान मूंदने को बताया, और यहाँ जो ज्ञान बताया गया कि नहीं नहीं प्रभु साकार है और इसको तू देख लो, जब इस ज्ञान को मैंने देखा तो मैं दंग रह गया और हक्का बक्का हो गया कि
दुनिया में कैसे कैसे लोग किस किस तरह के भगवान दिखलाते हैं, ना जाने कहां कहां से चुन चुन करके कैसे कैसे भगवान लेकर के दिखलाते हैं, कोई नकली भगवान दिखलाते हैं, कुछ करते, सब को देखते देखते हमको यहां समझ में आया कि असली भगवान ये है। और उन्होंने कहा कि कबीर इज गॉड, यही है कबीर, इसको देखो। और इसका प्रमाण ऋग्वेद में बताया, और इसका प्रमाण अथर्व वेद में बतलाया, इसका प्रमाण गीता में भी बतलाया, इसका प्रमाण वो शास्त्रों में बतलाया, उपनिषद तक में बतलाया, और देवी भागवत पुराण में भी बतलाया, सबको समझा बुझा करके सत्संग करा करके तब मुझे ज्ञान दिया। और ज्ञान लेने के बाद मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, मेरे कलेजे में ये पित्त के थैली में जो पत्थर था, वो पत्थर का दर्द कभी कभी हमको होता था। जब हम सेकेंड बार पेशी में यहाँ आए हिसार फरवरी महीने में, तो वहाँ से हम चले आए, ट्रेन में हमको वो दर्द होने लगा, दर्द से हम बेचैन हो गए, हम किसी तरह से हिसार पहुँच गए, वहाँ पेशी लगाए, लौटने के बाद भी हमको खाने की इच्छा नहीं हो रही थी, हमको लगा कि फिर पहले जैसा बीमारी हो गया और ये दर्द हो गया। हमारे साथ के लोग बहुत खाने को प्रयास किए, हमें कुछ नहीं खाएंगे, मेरा तबीयत ठीक नहीं है। जब दिल्ली से बिहार जाने के क्रम में 5-6 स्टेशन जब आगे गाड़ी बढ़ गई कानपुर के लगभग, तो रात में एकाएक वो रामपाल जी महाराज सतगुरु फिर ट्रेन में आए, और मैंने देखा कि वो आए, आने के बाद में लगता था कि वो किसी को खास व्यक्ति को खोज रहे हैं। आते आते मेरे बेड के पास चले आए, सीट पर मैंने खिड़की की तरफ सिर करके सोया हुआ था, चित्त पड़ा हुआ था, वो सीधे दोनों हाथ को इस तरह से बनाए हुए आए और मेरे कलेजे में दोनों हाथ को घुसेर दिया। जब हाथ इसमें घुसेर दिए, तब हम देखते हैं कि नहीं, एक खुला मरई में हम पड़े हुए हैं, मेरा लाश पड़ा हुआ है, और उसमें से हम निकल कर दो हाथ की दूरी पर अलग बैठे हुए हैं, और मेरे लाश में ये दोनों हाथ समा दिया। वैसा वैसा वहाँ 5-6 लाश और पड़ी हुई थी, जिसको देख कर यह प्रतीत होता था कि मेरे बाद इन सब लाशों का भी ऑपरेशन होगा। दोनों हाथ निकाल करके वो क्या कहते हैं, शकरकंद के कच्ची काटा हुआ जैसा, बहुत थाक जैसा, एक थाक निकाल करके इधर रख दिया, आ इधर से निकाल कर थाक इधर रख दिया, और दोनों को खूब मलमल करके, और उसमें से लार जैसा लस्सेदार उसमें से झाग निकाले, बोतल में पानी रखे हो तो बोतल से पानी रख रख के मलमल के, और सबको साफ किया, जेब से रुमाल उजला निकाल करके सबको एक एक करके पोंछ को फिर थकिया करके पोंछ कर, और मेरे कलेजे में बाएं साइड में फिर थकिया दिया, इधर वाला भी पोंछ कर दाहिना साइड में थकिया दिया, और उंगली से ऐसा 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 करके मानो जैसे सिलाई कर दिया, और सिलाई करके हाथ से इस तरह से पूछ दिए, तो वो घाव भी लगा, खत्म हो गया। सुबह में हम उठे, लोग पूछे कि मधुकर जी आप रात खाना नहीं खाए, आप कुछ खाओगे? हमने यहाँ खाएंगे, इच्छा है, हम लोग की बहुत इच्छा है, क्या खाओगे? हम जो खिला दो, भात खिला दो, दाल खिला दो, वो रोटी सब्जी खिला दो, चिवड़ा दही, जो खिलाओगे हम खाएंगे। लोग कहने लगे कि आप कोई चीज़ खाना नहीं चाहते थे, अभी सब कुछ खाना चाह रहे हैं, ये कैसे हो गया? तो हमने कहा कि नहीं, अब जो बीमारी मेरा था, ये सतगुरु रामपाल जी की कृपा से ये अब ख़त्म हो गया, हमको अब लगता है ख़त्म हो गया। तो मेरे चलते ये लोग रोहतक में गाड़ी पर से उतर गए, हमने बड़ी भूख लगी है, खिलाओ, तो रोहतक स्टेशन पर उतर गए, और हमको प्लेटफार्म पर और लोगों को छोड़कर ये लोग आश्रम में गए, और वहाँ से मेरे लिए प्लेट दाल भात तरकारी सब्जी सब ले करके आए, और मैंने भरपेट भोजन किया, दाल भात तरकारी सब्जी खाया, वहाँ से हमें चैन आ गई। फिर लौट करके गए तो रास्ते में लोग फिर पटना में दही चूड़ा भी खिलाया, भूजा भी खिलाया, सारे सामग्री को खिलाया, और उस दिन से हम बिल्कुल ठीक हो गए। अब हमको लगता है कि वो दर्द भी हमको अब स्वप्न के रूप में भी कोई महसूस नहीं होता है कि दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो लगता है अब है ही नहीं, वो पत्थर उत्थर सब खत्म है सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से। सर एक बात बताइए, आप 24 साल से निरंकारी मिशन से जुड़े हुए थे, यहाँ तक कि आप गुरुपद पे थे और आप वहाँ पर प्रवचन भी देते थे, लेकिन फिर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में और निरंकारी मिशन के ज्ञान में आपको क्या भिन्नता नजर आई? सर निरंकारी मिशन के ज्ञान में और ये संत रामपाल जी के महाराज के ज्ञान में बहुत अंतर आया, क्योंकि यहाँ अस्पष्ट रूप से बताया जाता है और वहाँ एक मानने की बात कही जा रही है कि मानो, ये मान लो कि यही भगवान है, यही खलिया है सो भगवान है, और यहाँ जानने की बात कही जाती है कि जानो,
कि ये भगवान है, यहाँ दिस की बात है, यह की बात है, वहाँ दैट की बात बताई जा रही है कि वह भगवान है। अब पता नहीं वो कहाँ है, सातवां आसमान के ऊपर है या नीचे है, क्या है नहीं है, कुछ भी नहीं है। सर जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं और जो श्रद्धालु निरंकारी मिशन से अभी भी जुड़े हुए हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे कि दास 24 साल अपने जीवन का मूल समय, जवानी का समय इस निरंकारी मिशन में फंस करके कहाँ कहाँ अपने पूरे बिहार के बाहर भी, नेपाल के देशों में भी जा करके कई जगह स्थानों पर जा करके प्रचार प्रसार किया, अपना जीवन तो गंवाया लेकिन अपनी खुद रक्षा नहीं कर सका। आप लोगों को मालूम है, अच्छी तरह आप जानते हैं कि पिछले वर्षों में निरंकारी मिशन के प्रवर्तक, सम्राट, मुखिया जो जिनके द्वारा ये सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था, वो खुद ही ये डेनमार्क में चार चक्के गाड़ी पर एक्सीडेंट होकर के मर गए। दास को बड़ा झटका लगा कि जिनके भरोसे पर मैं मोटरसाइकिल चलाता हूँ और उनका नाम लेता हूँ कि हे परमात्मा आप मेरी रक्षा करो, आप मेरी रक्षा करना, उनके नाम पर मैं खुद गाड़ी चलाता हूँ और जो गाड़ी से एक्सीडेंट करके मर गए तो मेरा क्या होगा, मेरी रक्षा कौन करेगा। और मेरे जेहन में ये बात आया कि जो स्वयं का मक्खी नहीं उड़ा सकता वो मेरा कुकुरमाछी क्या उड़ा देगा, और बड़ा ठेस पहुंचा मुझे। और तब से मैं संकल्प ले लिया कि नहीं नहीं नहीं, इस मिशन को तो कल छोड़ना है। अभी भी हमारे जितने इसके अंदर में बैठे हुए लोग, चाहे संसारिक हों या जगत हों या भगत हों या हमारे निरंकारी मिशन के लोग हों, मैं उनसे ही प्रार्थना करूंगा कि मेरे जैसे सोचा बेचारी करके बिना जाने बिना पहचाने झूठी बड़ाई करके अपना 24 साल का जो मैंने जीवन नाहक में बर्बाद कर लिया और बीमारी का शिकार बन गया, लेकिन कोई मेरी हाल पूछने के लिए नहीं आया कि तुम्हारी क्या हाल है, कोई 10,000 रुपया मेरा मदद नहीं कर सका, ऐसे जगह पर मैं पड़ा हुआ था। इसलिए हम फिर पुनः आपके सर्वन शक्ति में ये आवाज़ को पहुंचा रहे हैं कि आप नकली से बच करके असली में आकर के सतगुरु रामपाल जी के शरणों में आकर के अपना हर तरह से अपना कल्याण करें। सर आपको पूरा विश्वास है कि आपके गुरु संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आएंगे, क्या निर्दोष है? पूरा विश्वास है, जब हमारे इतने बड़े बीमारी से वो हमको निकाल सकते हैं, हमारे पित्त के थैली में से पत्थर निकाल सकते हैं हाथ प्रेस करके बिना छुरी का, डॉक्टर कह रहे थे कि चक्कू लगेगा तुम मर जाओगे, तुम तो चीनी का बीमारी है, तो जब हमको निकाल सकते हैं, हमारे हमको उठाकर खड़ा करा सकते हैं, हम कैसे समझे कि जेल में है? अगर जेल में होते तो मेरे पास मेरे बिस्तर के नज़दीक जाकर कैसे बैठ जाते, मेरी हाल कैसे पूछ लेते और कैसे कहते कि जाओ तू कल से ठीक हो जा। अगर वो जेल में होते तो कैसे निकल करके चले आते। आज मैं मोटरसाइकिल चलाता हूँ और सत्संग में जाता हूँ, हर काम मैं कर रहा हूँ उनके कृपा से, तो क्या वो बाहर आएंगे? ये बड़ी बात है, इस हमारे साथ जो घटना घटी इससे बहुत छोटी बात है, वो यहाँ आकर के ही रहेंगे और उसमें ज़्यादा दिन नहीं है, बहुत शीघ्र ही आएंगे। सर संत रामपाल जी महाराज जी से यदि कोई श्रद्धालु नाम दीक्षा लेना चाहे तो कैसे ले सकते हैं? ले सकते हैं, अभी उनके बहुत सारे चैनल चल रहे हैं, जिस चैनल पर इनका प्रोग्राम बराबर होते रहता है, शाम में होता है, दोपहर में होता है, तो आप उस पर ध्यान देंगे तो चैनल चलते हुए वो नीचे में उनका फ़ोन नंबर आता है, जहाँ जहाँ उनका आश्रम सतलोक आश्रम और उसका फ़ोन नंबर उस पर नीचे लिखा रहता है, उसी फ़ोन नंबर को आप नोट कर लीजिए और उसी फ़ोन नंबर से आप पूछ लीजिए, आपको बता दिया जाएगा कहाँ एरिया है, किस जगह रहते हैं, आपके नज़दीक में कौन सा नामदान केंद्र नज़दीक पड़ेगा, वहाँ जा करके आप आसानी से ज्ञान ले सकते हैं, नामदान ले सकते हैं और अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने जीवन को सुहेला कर सकते हैं। आप जिस बासी देश का हैं अपने देश को आराम से आप जा सकते हैं, आपको पहुंचाने वाला आपको सारथी मिल गया है, आपको पहुंचाने वाला वो सतगुरु रामपाल जी मिल गया है जो इस आत्मा को अमरलोक पहुंचाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।